हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पर जो आईटीब है यहाँ जाकर मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन की जो प्रीवियस वीडियोज हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री एंड देन सेकंड ऑर्डर एंड देन कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट सीएपीआई ये सब मैंने अपलोड कर रखा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देन यहाँ पे सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर एक्स, सॉल्वेबल फॉर वाई, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत सारी वीडियोज मैंने अपलोड कर रखे हैं। और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं रॉस्किन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं है ना लाइक मेथड है वो भी मैंने आईटीप पे जाके आप देख सकते हैं सॉल्व करके बता रखा, उसको हम रॉस्किन के हेल्प से भी कर सकते हैं पर उसके लिए रॉस्किन का कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। प्लस रॉस्किन पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं तो वो भी आपको बताना चाहिए, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। प्लस इस पर गेट, आईआईटी जैम, सीएसआईआर नेट पे भी काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं तो ये क्या है और कैसे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे मैं आपको सिखाने वाला हूं, राइट। तो बढ़ते हैं सुनिए, यहाँ पे रॉस्किन होता क्या है। तो इसमें अगर हमारे पास y1 एंड y2 आर द टू सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देन द रॉस्किन y1 y2 इज दिस, इसकी जो रॉस्किन की वैल्यू होती है वो ये होती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये होता क्या। मान लीजिए हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो हम जानते हैं यहाँ पे कि y की वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी सी वन साइन एक्स प्लस सी टू कॉस एक्स आएगी, याद है ना। हम क्या करते हैं यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो रखते हैं, देन एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, तो ये हमारे पास सी एफ आता है। तो सुन ये और ये हमारे पास यू होता है, या इसको वाई वन ले लीजिए, दिस इज द वाई वन, राइट, दिस इज द वाई वन, राइट, दिस इज द वाई वन, वाई वन इज इक्वल टू साइन एक्स एंड वाई टू इज इक्वल टू कॉस एक्स, है ना। तो सुन ये हमारे पास क्या होता है, कॉस एक्स आता है, क्लियर है। ये साइन एक्स और ये हमारे पास क्या आता है, कॉस एक्स आता है, क्लियर है। हाँ जी, ये कॉस एक्स आता है। अब हम क्या करते हैं सुन इसके रॉस्किन की वैल्यू निकालते हैं। तो रॉस्किन y1 y2 की वैल्यू कैसे आती है, सुन यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला होता है ना, क्या करते हैं y1 और y2 को एज इट इज रख देना, ये साइन एक्स और ये कॉस एक्स एज इट इज रख लीजिए और इन दोनों का डेरिवेटिव नीचे, स्टूडेंट इन दोनों का डेरिवेटिव नीचे। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, कॉस एक्स होता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। और इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, सुन इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। और हम जानते हैं माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, दैट इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये हमारे पास क्या होता है, रॉस्किन होता है, राइट। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, रॉस्किन होती है। और अगर यहाँ पे जो भी रॉस्किन होता है अगर उसकी वैल्यू नॉन जीरो आती है तो मतलब ये जो सॉल्यूशन होता है ये इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होता है, और अगर इसकी वैल्यू जीरो आती है तो ये जो सॉल्यूशन होता है ये क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे रॉस्किन दे रखा और यहाँ पे हमने ये वाई वन और वाई टू इसके सॉल्यूशन दे रखे, देन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये की पावर एक्स की पावर टू एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा, देन इसका हम रॉस्किन निकालेंगे की पावर थ्री एक्स विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पे जो ये सॉल्यूशन होंगे वाई वन एंड वाई टू ये क्या होंगे, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, राइट। तो आगे बताता हूँ मैं कैसे करेंगे। तो इसमें कॉन्सेप्ट यह होता है द टू सॉल्यूशन वाई वन एंड वाई टू ऑफ द इक्वेशन दिस, मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर रॉस्किन इज आइडेंटिकली जीरो, मतलब हर पॉइंट पर उसकी रॉस्किन की वैल्यू अगर जीरो आ रही है तो वो हमारे पास क्या होता है, डिपेंडेंट सॉल्यूशन होता है। और अगर y1 एंड y2 ऑफ द इक्वेशन दिस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट देन इसकी जो रॉस्किन की वैल्यू होनी चाहिए वो पॉइंट पर क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, राइट, है ना। तो ये अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे यही देखने के लिए नॉर्मली रॉस्किन का यूज किया जाता है कि जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। पर इसके बाद जब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हम सॉल्व करते हैं, मेथड सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास उसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो निकालने के लिए यहाँ पे रॉस्किन का यूज किया जाता है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर बताऊंगा इसके अंदर कि कैसे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर निकालने के लिए, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं जिसे हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखे, राइट, है ना, और आपको इसका निकालना है रॉस्किन की वैल्यू, राइट, आपको ये दिखाना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, राइट, इसका हम सी एफ निकालेंगे। सी एफ कैसे निकालते हैं, इसमें माइनस का बी प्लस जानते हैं ना क्या होता है, एम इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज फोर माइनस टू ए सी माइनस एट अपॉन टू आएगा। तो हम जानते हैं सुन यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी टू प्लस माइनस ये आएगा टू आयोटा अपॉन टू, तो सुनिए आएगा वन प्लस माइनस आयोटा। और इसका जो सी एफ होता है वो क्या होता है, ई की पावर एक्स सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स आता है, देन इस ई की पावर एक्स मतलब हमारे पास क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू ये आएगा ई की पावर एक्स सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स आता है, देन ये अंदर जाएगा तो ये आएगा सी वन ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस सी टू ई की पावर एक्स साइन एक्स। तो इसमें ये हमारे पास जो होता है ये यू होता है, या वाई वन ले लो इसको, वाई वन होता है कॉस एक्स, और ये जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, वाई टू होता है, राइट। अब हम क्या करते हैं इसके रॉस्किन की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज रॉस्किन ऑफ, राइट, ये आएगा रॉस्किन ऑफ
y1 एंड y2. तो सुनिए अब हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा y1, ये आएगा y2 और ये आएगा इसका डेरिवेटिव y1 डैश एंड y2 डैश, राइट। तो वही हमने लिखा है, सुनिए ये y1 और ये y2 उठा के यहाँ रखेंगे और इसका डेरिवेटिव इसमें e की पावर x का किया, देन इसको छोड़ेंगे इसका करेंगे, तो अल्टीमेटली जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये आएगी, राइट है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो इसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, इसमें ये आएगी है ना। और आप देखेंगे यहाँ पे e की पावर 2x इसका क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा विच इज नॉट इक्वल टू जीरो है ना। सो रॉस्किन इज नॉट जीरो, सो बोथ सॉल्यूशंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्लियर है। सो यहाँ पे एक फार्मूला और होता है, दिस फार्मूला इज नॉन एज अबेल फार्मूला, और अबेल फार्मूला क्या होता है, पर बात बताने की जरूरत है यहाँ पे कि जो भी हमारे पास इससे पहले जो मैंने आपको रॉस्किन का फार्मूला बताया ये वाला, राइट, ये वाला रॉस्किन का जो फार्मूला होता है ये पर्टिकुलर पॉइंट पर होता है, राइट। पर जो हमारे पास अबेल फार्मूला होता है वो इन जनरल हमारे पास लाइक रॉस्किन निकालने के लिए होता है। जो यहाँ पर ए होता है ये हमारे पास पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू होती है, राइट। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा और उसका हमारे पास अबेल से भी हम इसका रॉस्किन निकाल सकते हैं और इससे पहले वाले फार्मूले से भी इसका रॉस्किन निकाल सकते हैं, पर जो पहले वाला फार्मूला है वो पर्टिकुलर पॉइंट पर रॉस्किन निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये वाला जो फार्मूला है ये इन जनरल हर पॉइंट पर उसका आप रॉस्किन निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा कि a0 y डबल डैश प्लस a1 y डैश प्लस a2 y इज इक्वल टू जीरो, वेयर x बिलोंग्स टू i बी द डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पर phi1 और phi2 li सॉल्यूशन है। तो उस वाले केस में इसका जो अबेल फार्मूला होता है वो ये होता है w इज इक्वल टू a e की पावर माइनस a1 अपॉन a0 dx होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको इसका निकालना है फार्मूला, मतलब अबेल फार्मूले से आपको इसका रॉस्किन निकालना, राइट। तो अभी मैंने आपको वैसे बता दिया, देखो अबेल फार्मूला हमारे पास ये होता है ना, माइनस का ए वन अपॉन ए जीरो डी एक्स, राइट। तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिए, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है ना, तो इसमें हमारे पास क्या होगा डब्ल्यू, यहाँ पे हमारे पास डब्ल्यू, एक मिनट यार, डब्ल्यू फाइव वन फाइव टू, यानी यहाँ पे वाई वन वाई टू लिख लेता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो, है ना, ठीक है। सो डब्ल्यू हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, ये वाई वन y2 is equal to a e की पावर माइनस a2 upon a0, सुन ये हमारे पास a2 होता है, दिस इज a2 और दिस इज a1 है ना, तो ये a1 a2 और a3 होता है, जहाँ पर ये a2 हमारे पास इसका कॉफिशियन माइनस टू है, तो ये आएगा माइनस टू और a1 की वैल्यू 1 है, द कॉफिशियंट ऑफ y डबल डैश इज 1 एंड कॉफिशियंट ऑफ y डैश इज माइनस टू, तो ये हमारे पास a2 है, ये हमारे पास a1 है, इसकी इंटू डी एक्स हो जाएगा, राइट। तो इसमें हम जानते हैं a ये माइनस माइनस प्लस होएगा, तो और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ए टू टू एक्स आएगा। तो इसमें इसका भी हमने किया था, तो ए की पावर मतलब ई की पावर टू एक्स ही आया था, यहाँ पे ए नहीं आया था, राइट। तो वो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू थी, पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर उसकी वैल्यू थी, राइट। तो यहाँ पे ये जो आता है ये इन जनरल वैल्यू बताता, और ये हमारे पास पर्टिकुलर पॉइंट पे बताता, राइट है ना। तो इसमें इसका जो ई की पावर टू एक्स आएगा, देन यहाँ पे ई की पावर टू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका जो रॉस्किन आएगा वो नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अब बात करेंगे इसमें अबेल फार्मूला, तो जो हमारे पास रॉस्किन का ये वाला फार्मूला होता है ये हमारे पास क्या होता है, पर्टिकुलर पॉइंट पर रॉस्किन निकालने के लिए किया यूज किया जाता है, पर ये वाला जो फार्मूला होता है ये इन जनरल हमारे पास जो रॉस्किन की वैल्यू होती है वो निकालने के लिए किया जाता है। तो हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे तरीके ए जीरो वाई डबल डैश प्लस ए वन वाई डैश प्लस ए टू वाई इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे इसका जो रॉस्किन होता है उसकी वैल्यू हमारे पास डब्ल्यू फाइव वन फाइव टू इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस का ए वन अपॉन ए जीरो डी एक्स होता है। तो कैसे होता है, मैं आपके सामने से इस एग्जांपल की बात करूँगा, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे इसमें इसका जो कॉफिशन होगा वो ए जीरो है, तो ये वन है, इसका कॉफिशन जो डैश का कॉफिशन होता है वो हमारे पास ए वन होता है, वो हमारे पास माइनस टू दे रखा है, और हम जानते हैं कि रॉस्किन का जो फार्मूला अगर वाई वन वाई टू पॉइंट दे रखा है तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, ए ई की पावर माइनस ए वन अपॉन ए जीरो इंटू डी एक्स होता है, राइट। तो सुनिए आएगा हमारे पास ए ई की पावर माइनस ए वन की वैल्यू कितनी आएगी, सुनिए माइनस टू अपॉन ये वन इंटू डी एक्स हो जाएगा, देन ये आएगा ए माइनस माइनस प्लस ई की पावर टू एक्स आ जाएगा, और हम जानते हैं यही हमारे पास रॉस्किन आया था, बस वहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू वन आ रही है, राइट। तो वो जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट पे, और ये हमारे पास इन जनरल रॉस्किन की वैल्यू होती है, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है, देखो यहाँ पे भी ई की पावर टू एक्स आया था, क्लियर। तो इस तरह से हम यहाँ पे निकालते हैं, जैसे एक और एग्जांपल दे रखा आपको इसका अबेल फार्मूला पे इसका रॉस्किन निकालना, क्लियर है। तो इसमें बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं, क्या आएगा इसमें यहाँ पे डब्ल्यू फाइव चाहिए ना, दो फंक्शन दे रखे हैं, तो हम जानते हैं ए ये हमारे पास ए वन आएगा, ये ए जीरो है, इसमें ए जीरो की वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, ए जीरो का वाई डबल डिश का कॉफिशन और ए वन जो होता है वो y डैश का कोफिशिएंट होता है। सुन ये आएगा हमारे पास a e की पावर a1 की वैल्यू माइनस टू एक्स है, अपन वन माइनस माइनस प्लस टू एक्स आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a e की पावर x स्क्वायर, इसका रॉस्किन आएगा बाय द वैल्यू बाय द फार्मूला ऑफ अबेल टेस्ट, राइट। मतलब अबेल फार्मूला होता है, नॉट टेस्ट, राइट। और अगर हमें पर्टिकुलर पॉइंट अगर दे रखा होता तो उस वाले केस में हम वो वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं, राइट। और ए की वैल्यू भी यहाँ पे उस तरीके से निकाल सकते हैं, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी वैल्यू आएगी रॉस्किन की वो हमारे पास ए की वैल्यू होती है, राइट। वो ए की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास e की पावर x जो भी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते
सुन जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन रखा क्लियर है और आपको इसका क्या निकालना है, आपको ये पता लगाना कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, शो करना है। तो सुन बहुत सिंपल है ना, ये हमारे पास वाई वन वाई टू है तो हम जानते हैं रॉस्किन का वैल्यू फार्मूला होता है वो क्या होता है वाई वन वाई टू और ये होता है वाई वन डैश एंड वाई टू डैश होता है। तो सुन सिंपल है, वाई वन क्या आएगा ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ई की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स, राइट। इसको सिंप्लीफाई करिए, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ई की पावर माइनस एक्स और माइनस आएगा माइनस ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स सुनिए कैंसिल होगा तो माइनस वन दैट इज इक्वल टू माइनस टू विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, इसके मतलब ये क्या होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इस हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सुन ये भी इसी टाइप का, आपको ये पता लगाना कि एल आई ए या फिर एल डी ए। तो सुनिए आप हम जानते हैं रॉस्किन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वाई वन वाई टू वाई वन डैश एंड वाई टू डैश, राइट। तो सुनिए पे हमारे पास क्या आएगा, ये लॉग एक्स आएगा राइट और ये आएगा हमारे पास लॉग एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वन अपॉन एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो टू आगे आ जाएगा, इसमें टू अपॉन एक्स आ जाएगा राइट, और इसकी वैल्यू निकालते इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा टू लॉग है टू बाय एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आ जाएगा राइट, और हम जानते हैं ये टू आगे आएगा तो ये आएगा टू बाय एक्स राइट, नहीं है बराबर ये आएगा राइट, सुनिए आएगा बराबर राइट टू लॉग एक्स और ये आएगा हमारे पास माइनस का टू बाय एक्स लॉग एक्स। तो सुनिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, मतलब ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होगा। आप सामने दिख रहा है ये लॉग एक्स और ये लॉग एक्स स्क्वायर तो टू आगे आएगा तो ये इसका मल्टीपल आ रहा है, टू का मल्टीपल तो वैसे भी ये लीनियरली डिपेंडेंट ही है, क्लियर। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। सुन अब देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारे पास रॉस्किन की वैल्यू पूछ रहा है, तो सुनिए यहाँ पे डेरिवेटिव पूछ रहा है ना, तो वाई वाई वन जीरो एंड वाई टू जीरो, मतलब पर्टिकुलर जॉइंट पर इसकी रॉस्किन की वैल्यू पूछ रहा है तो वही हमारे पास क्या आएगा वाई वन जीरो हो जाएगा, देन वाई टू जीरो हो जाएगा, देन ये आएगा वाई वन डैश जीरो और ये आएगा वाई टू डैश जीरो राइट, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। सुन वाई वन जीरो की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जीरो है ना, और ये हमारे पास वाई वन डैश जीरो की वैल्यू राइट, वाई वन डैश जीरो की वैल्यू कितनी हमारे पास वन है। नाउ वाई टू जीरो हमारे पास वन है और वाई टू डैश जीरो हमारे पास ये आ रहा है राइट, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो सुनिए आएगा जीरो माइनस वन विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये हमारे पास क्या आएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सुन मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा और लास्ट में मेरी वीडियोज़ ये आप देख सकते हैं, उसमें पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी मैंने टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं जो हायर मैथमेटिक्स के अंदर या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में यूज आते हैं वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। सुनिए मेरा नया चैनल जिसपे मैं शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ जो कि बहुत ही हेल्पफुल आप लोगों के लिए फॉर गेट एग्जाम एंड सीएसआईआर नेट एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो आप जरूर देखिए। और शिन दोनों मेरे चैनल है, ये मेरा नया चैनल जिसपे मैं भी काम कर रहा हूँ जनरल एप्टीट्यूड और सीएसआईआर और आईटीजेएम और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, और सुनिए मेरा पुराना चैनल जहाँ पर हायर मैथ्स की वीडियोज आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए सो दैट कि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।